फिलिप, आज यहाँ पे हम एक पनीर से स्नैक रेसिपी बनाने जा रहे हैं और हम बनाने जा रहे हैं पनीर रोल्स, जो कि आप पार्टी के लिए या किसी किटी पार्टी में, स्टार्टर्स में, स्नैक में सर्व कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम पनीर, और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमें चाहिए होगा एक बड़ा प्याज जिन्हें हम बारीक कट कर लेंगे, एक बड़ा कैप्सिकम, ब्रेड स्लाइसेस, एक टीस्पून गरम मसाला और हाफ टीस्पून यहाँ पे है अमचूर पाउडर, दो टेबलस्पून ग्रीन चटनी, दो टेबलस्पून ऑयल। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम डालेंगे प्याज जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, और बस हमें इसे थोड़ा सा बस सौते करना है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। कुछ सेकेंड्स बाद इसमें हम डाल देंगे कैप्सिकम जिन्हें मैंने बारीक कट किया है, इन्हें करेंगे मिक्स। फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम पे, इन्हीं पे मैं डाल दे रही हूँ गरम मसाला और आमचूर पाउडर, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, इन्हें करेंगे मिक्स। और बस एक मिनट हो गया है इन्हें सौते करते हुए, तो मैं अब यहाँ पे गैस को करती हूँ बंद। मैंने जो पनीर था उसे इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसे स्क्रैम्बल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे मिक्स करते हैं। अब ये जो मिक्सचर है इसे हम ले रहे हैं और इसी पे हम डालेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ पनीर, और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून चिली पाउडर। ये ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे जो हमने चटनी यूज़ की है ग्रीन, उसमें भी चिली है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और सॉल्ट, करेंगे मिक्स। इसे हम इसी तरीके से मैश करते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले और नमक है वो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है, और अब इसे रखते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पे एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है और इसका जो साइज है उसे हम कट कर देंगे। इसे हम ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और एक रोलिंग पिन की मदद से हम इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसे फ्लैट कर लेंगे तो इस पे लगाएंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी, मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी में थोड़ा सा टैमरिंड भी ऐड कर दिया है, अगर आपको वो फ्लेवर पसंद हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन ग्रीन चटनी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फिलिंग है वो हम ले लेंगे एक टीस्पून के लगभग, और इन्हें लेके हम इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में प्रेस कर देंगे, और इस तरीके से प्लेस करके हम इन्हें एक टाइट रोल बना लेंगे इससे। इस तरीके से हम बाकी रोल्स भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रोल्स रेडी कर लिए हैं, और आप सारे इकट्ठे ना बनाएं, जब थोड़े थोड़े ऐसे बना बना के फ्राई करते रहें साइड बाय साइड, तो यहाँ पे इतने मेरे बन चुके हैं और हम इसे जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। जो ब्रेड है वो ड्राई होते जा रहा है, और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए हम इस पे डालेंगे हमारे रोल्स। और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहने देंगे और बीच बीच में फ्लिप करते रहेंगे, और तब तक हम कुछ और रोल्स बना लेते हैं। यहाँ पे चटनी के बजाय आप यहाँ पे सॉस भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस के साथ भी कुछ बना ले रही हूँ। अच्छे से यहाँ पे टोमेटो सॉस लगा लिया है, ये हमारी स्टफिंग। ध्यान रहे इसे ज्यादा मोटा ना बनाए, नहीं तो ये रोल करने में प्रॉब्लम होगी इससे, और इन्हें आराम से इसी तरीके से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे
इस तरीके से रोल रेडी हो गया है। और थोड़ा सा आप बीच बीच में ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं। और चलिए इन्हें करते हैं फ्लिप। और इसी तरीके से हल्का हल्का हम इन्हें दोनों तरफ से टोस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे ऑयल हमने बहुत कम ही यूज़ किया हुआ है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राइड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी रोल्स भी रेडी कर ले रही हूँ। इसे आपको सारी तरफ से इस तरीके से गोल्डन करना है हल्का हल्का। इसी तरीके से हम इसे रोल करते जा रहे हैं और इसमें फ्रेश ऐड भी करते जा रहे हैं। और इसी तरीके से सारी तरफ से हम रोल करते हुए इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हमारा पनीर रोल रेडी हो गया है, जो कम ऑयल में हमने बनाया हुआ है। इसे आप एंजॉय करें। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।